काफ़ी मस्त नज़ारा है। हल्का हल्का ठंडी ठंडी हवा है, पेड़ है, छांव है, रोड है। दिस इज सस्पेंशन ब्रिज रोड। ओके थैंक यू। यहाँ पे जो ऐसे बुद्ध कलर का ड्रेस पहने हुए रहते हैं, इन लोग लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अभी दो तीन ऐसे छोटे लड़के लोग से मिला तो वो बता रहे थे कि उन्हें बस इंग्लिश आती है, वो भी टूटी फूटी इंग्लिश जैसे मुझे आता है और जोंग लैंग्वेज आता है, सॉरी जोंगखा, जोंग नहीं जोंगखा लैंग्वेज आता है। तो उन्हीं लोग वही बोलते हैं, कोई साथ हो या ना हो, मेरा ये कैमरा, मेरा ये बैग, यही मेरे लिए बहुत है। ये दो रोड इधर इधर जा रहे हैं, पता नहीं मैं किस वाले में जाऊं। गूगल मैप देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर वापस आना पड़ेगा मुझे। गूगल मैप देख लेता, कैमरे को एक जगह रख लेता, फिर देखता हूँ गूगल मैप। लोजी साहब मिल गया जोंग जाने का रास्ता। आगे रास्ता है, दो रास्ते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, दो तरफ से रास्ता जाता है। तो मुझे सीधा स्ट्रेट जाना है और मैं पहुंच जाऊंगा सस्पेंशन ब्रिज। कुछ दूर है, पता नहीं कितना, हाफ किलोमीटर होगा आई थिंक। सो जोंग से लेके यहाँ तक लो, और एक छोटा सा ब्रिज पार करने। अरे बाप रे, पैर फिसला तो मतलब गया, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए हमको तरफ आए। तो जनाब फाइनली पहुंच गया हूँ मेन जगह पे, नहीं पहले जहाँ पे दिखता है आपको दिखा देता हूँ मैं। ये हो रहा सस्पेंशन ब्रिज, काफ़ी लॉन्ग है, करीब आधा किलोमीटर एक किलोमीटर तो ऊपर होगा ये ब्रिज मेरे हिसाब से। तो अब जाके देखना पड़ेगा कितना है। तो जी पहुंच गया सस्पेंशन ब्रिज, एक किलोमीटर नहीं हाफ किलोमीटर तो होगा ही मेरे हिसाब से। काफी अच्छा है, स्ट्रांग है, लोहे का बना हुआ है, मस्त एकदम। नीचे से पानी जा रहा बहता हुआ, बारिश के टाइम शायद और पानी थोड़ा ऊपर होता होगा।
काफ़ी देर गुजारने के बाद अभी 3:30 और इंडिया के टाइम के हिसाब से करीब 2-2.5 घंटा यहाँ पे मस्त घूम लिया हूँ। ये है सस्पेंस जो ब्रिज है उसके इस पार एक छोटा सा गांव है, मीनागंग पुनाखा गांव है। एक छोटा सा शॉप है, जनरल शॉप एंड बार। यहाँ पे मैं रिचार्ज कराया, एक्चुअली मेरा बी मोबाइल का जो यहाँ पे नेटवर्क है भूटान का बी मोबाइल, उसका नेटवर्क सही तरीके से मीन्स नहीं पा रहा है, बट रिचार्ज करा लिया हूँ। घर में कॉल करना है, आप यहाँ पे आके अगर कुछ खाने पीने का है रिचार्ज करना है, अदरवाइज कुछ भी है आपको यहाँ पे मिल जाएगा आराम से। काफ़ी मज़ा आ रहा है, बढ़िया घूम के। ये जगह सबसे बहुत अच्छा जगह यही लगा मेरे को अब तक भूटान में, अभी तक के फिलहाल तो सबसे बेहतरीन जगह मेरे को यही लगा, सस्पेंशन ब्रिज पुनाखा। अभी मैं वापस जा रहा हूँ, देखता हूँ कोई होटल वगैरह मिलता है कि नहीं, अगर कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा आज, नहीं तो आज रोड में सोना पड़ेगा मुझे। ट्राई करता हूँ कहीं पे रुकने का, व्यू तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ से जाने का मन ही है। करीब 2-2.5 घंटे हो गए यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ और इस जगह को एक्सप्लोर कर रहा हूँ अच्छे तरीके से। क्या बोलूँ, शिमला जम्मू कश्मीर की तरह मैं तो गया नहीं हूँ, बट इस इलाके को देख के ऐसा लग रहा है मुझे कि समथिंग ऐसा ही कुछ होगा। ये इलाका बहुत ही बेहतरीन है, हवा चली हल्की हल्की, ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, मस्त पानी आ रहा है और ये इधर उधर लहरा रहा है मस्त।